hello my dear students welcome to mathematics class dear students we are doing 10.3 exercise mensuration of your ncert book and now in this video we will do question number 11 and 12 so let's start with question number 11 question number 11 says split the following shapes into rectangles and find their areas the measures are given in centimeters येस डियर स्टूडेंट दिस इज द शेप एल शेप इज गिवन टू अर्स नाउ लेट फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पार्ट दिस इज कम्पलीट ट्वेल्व एंड दिस दैट मच इज टेन तो हम पहले इस पर फोकस करेंगे क्योंकि ये पूरी लेंथ हमें पता है और इधर से ये इतना हिस्सा पता है तो मैं इसे कम्प्लीट कर लूंगी टू मेक दिस एज अ रेक्टेंगल एंड लेटे मार्केट एज रेक्टेंगल वन क्योंकि इसकी ये पूरी लेंथ ट्वेल्व और ये विथ हमें टू ये टू है तो इसके अपोजिट वाली भी टू हमें पता है राइट तो फर्स्ट रेक्टेंगल ट्वेल्व टू से ट्वेंटी फोर एरिया आ जाएगा अब आती है रेक्टेंगल नंबर टू तो इस रेक्टेंगल पे ध्यान देंगे इसके बेटा ये कंप्लीट लेंथ टेन गिवन है बट हमें कितनी रिक्वायर्ड है हमें सिर्फ इतनी चाहिए तो अगर मैं ये इधर रेड वाला पोर्शन इस पूरे में से माइनस कर दूं ये रेड वाला मीन्स ये पूरा टेन है उसमें से अगर मैं ये टू माइनस कर दूं ये हटा दूं यू कैन से ये देखो अगर मैं रब कर देती हूँ मैंने हटा दिया तो मेरे पास ये बचेगा इतना तो ये पूरा कितना था टेन था पूरी लेंथ हमें कितने की वन थी ये टेन गिवन थी दिस कंप्लीट लेंथ इज टेन तो उसमें से ये इतना पोर्शन अगर माइनस कर दें सो विल लेफ्ट विथ दिस राइट तो टेन माइनस टू विल गेट एट तो इसकी लेंथ आ जाएगी एट This is 8 and this is two eight to the sixteen. So in this way, we'll get the area. So we area of rectangle one is equal to l into b, and that is twelve into two. That is twenty-four centimeters square. Now similarly, area of rectangle two is equal to l into b, and that is 8 into 2 that is 16 centimeter square. Right, now we will add it, therefore, total area of figure is equal to 24 plus 16 that is 40 centimeter square. So, very easy. I hope it is clear to you. Now, let's do B part. सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द बी पार्ट फिगर इन विच यू कैन सी ईच लेंथ इज सेवन सेंटीमीटर सारी सेवन है तो इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लेट मी सी दिस अगर मैं ये ज्वाइन कर दूँ यह पोर्शन ज्वाइन कर देती हूँ तो इसके सामने वाली सेवन है तो ये भी कितनी हो जाएगी सेवन सो इट विल बिकम अ स्केयर ये स्केयर बन जाएगा अब अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ सो दिज आर सेवन तो इसके अपोजिट ये सेवन अगेन दिस विल बिकम अ केयर फिर मैं अगर यहाँ ये ज्वाइन कर देती हूँ अपोजिट साइड सेवन सेवन इसके अपोजिट ये इक्वल है देखो जितनी ये उतनी ये तो ये भी सेवन तो सारी साइड्स इक्वल मीन्स अगेन दिस इज अ केयर इफ आई आइल ज्वाइन दिस तो आप देख रहे हो अपोजिट साइड सेवन सेवन और इसके अपोजिट वाली ये ब्लैक ये भी सेवन सो दिस विल बिकम अ केयर अब ये मिडल वाले पार्ट में अगर हम आए तो इसकी फोर साइड्स बन गई हैं और वो कितनी लेंथ की बनी है सेवन ऑल आर इक्वल दैट मीन्स जैसे अ स्केयर तो कितने स्केयर मिल गए हमें देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव स्केयर और सबकी सेम साइड है किसी की भी लेंथ अलग नहीं है तो हम क्या करेंगे वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन स्केयर एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बाय फाइव इट बाय फाइव ओके सो लेट अस फाइंड आउट Area of one square is equal to side square, and side is seven, so it will be forty nine centimeters square. This is the area of one square because all the squares are of same dimension. So we will directly multiply by five. Se. Therefore, area of five squares is equal to five multiplied by forty nine. So, 5 nines are 45. This will be 5 4s are 20 plus 4, 24. So, this is the total area of the figure. 5 square means area of figure. Right? So, I hope it is clear to you and very easy. Now, let's see the C part. So, dear students, now this T shape is given to us. लेडसी द अपर पार्ट कंप्लीट लेंथ फाइव इज गिवन टू वज एंड दिस टर्न तो हमारी एक रेक्टेंगल तैयार है अगर मैं ये पार्ट ज्वाइन कर देती हूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी हमारी जिसकी लेंथ भी पता है वर्थ भी पता है सो लेटेस्ट मार्क्स दिस हज रेक्टेंगल वन जिसकी हमें दोनों डायमेंशन ईजिली पता चल गई नाओ दिस रिमेनिंग पार्ट नाओ लेडेसी इसकी ये वाली लेंथ हमें पता है बेटा फोर एंड येस yes, इसके हमें ये चौड़ाई भी विर्थ भी पता है वन सो so, इसके हमें इजी रहा दोनों पार्ट फाइंड आउट करना सो दिस इज रेक्टेंगल नंबर टू सो इजिली वी आर हैविंग ऑल द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल ऑल्सो विर्थ इज वन एंड फोर दिस गिवन टू एज फोर सो इट विल भी वेरी इजी फॉर यू सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is equal to L into B and that will be 5 multiplied by 1. So, this will be 5 centimeters square. Similarly, let us find out area of rectangle 2 is equal to L into B that is length 1 and width is 4. So, it will be 4 centimeters square. So, now we can get the total area. So, total area is equal to 5 plus 4 centimeters square, that is 9 centimeters square is the total area of this figure. So, dear students, I hope the question is very easy. Now, let's do question number 12.

आपको उस रूम के फ्लोर पर फ्लोर जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है और आप उस पर टाइल्स लगवाना चाहते हैं एज़ वी हैव सीन इन आर हाउसेस तो आपका जो टोटल एरिया है रेक्टेंगल का वो हम निकालेंगे यहाँ से जो रूम का फ्लोर है वो और हमारी टाइल छोटी होती है उसकी डायमेंशन छोटी हैं वो उस वो हमें दे रखा है तो अगर हम इन दोनों का एरिया एरिया फ्लोर डिवाइड कर देंगे किससे टाइल के एरिया से विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स तो ये काम आप अपने घर में भी करें वेन एवर देअर विल बी अ कंस्ट्रक्शन इन योर हाउस एंड द टाइल पर्सन विल कम टू योर हाउस तो आपको क्या करना है आपको उनसे पूछना है कि आपके टाइल का साइज क्या है लेंथ ब्रेड बताओ हमें ठीक है तो अगर वो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ ब्रेड अगर स्केयर शेप की है तो आप बोलोगे साइड कितनी है तो आप उसका एरिया निकालोगे फिर आप क्या करोगे अपने रूम का जो फ्लोर है उसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करोगे और एल इन टू बी करके उसका एरिया निकालोगे और उस एरिया को डिवाइड कर देंगे हम टाइल के एरिया से यू विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स तो आप हाँ, आप उस टाइल पर्सन को बता सकते हैं कि आपको कितनी टाइल्स हमारे घर लेके आनी है और जिससे कि वो आपसे एक्स्ट्रा रुपीज ना ले सके सो अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सो फॉर एग्जाम्पल डी स्टूडेंट्स इन ए पार्ट मान लेते हैं ये है आपका फ्लोर ठीक है ये आपके रूम का फ्लोर है और जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी हैं वन फोर्टी फोर हंड्रेड सेंटीमीटर और वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर उसकी लेंथ और वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर ये इसकी ब्रेथ हो गई और इसमें आप क्या करना चाहते हैं टाइल्स प्लेस करना चाहते हैं छोटी छोटी ऐसे ये टाइल्स लगाना चाहते हैं और ये जो टाइल्स हैं इनकी लेंथ ब्रेड आपको गिवन है दे ऑल आर इक्वल इन साइज तो ये इस तरह से हमें कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड हैं कैसे पता चलेगा हाउ डू यू कम टू नो बाय फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ योर फ्लोर एज़ वेल एज योर वन टाइल और ये टाइल की डायमेंशन हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में ट्वेल्व सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और फाइव सेंटीमीटर इसकी वर्थ है तो हम पहले फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं सो लेट अस फाइंड आउट विल राइट एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो एल इन टू भी स्केयर शेप का होता तो साइड्स के लिखते तो हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय वन फोर्टी फोर गेट वन फोर फोर जीरो जीरो सेंटीमीटर्स के दिस विल बी द एरिया ऑफ फ्लोर राइट नाउ व्हाट डू यू वांट टू नो एरिया ऑफ वन टाइल एरिया ऑफ वन टाइल टाइल भी आपकी क्या है रेक्टेंगुलर शेप है एल एन टू बी सो ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई फाइव दैट इज सिक्सटी सेंटीमीटर के तो अब हम निकालेंगे उन्होंने पूछा कितनी टाइल्स चाहिए सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल टोटल एरिया फ्लोर एरिया फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल so, total, total area floor, area floor tile, एक टाइल का एरिया तो so, ये हम पुट कर देंगे वन फोर्टी फोर ज़ीरो ज़ीरो अपॉन सिक्सटी सेंटीमीटर केयर सेंटीमीटर केयर कैंसल तो ये हम निकाल लेंगे सिक्स नाइन ज़ा तो ये आपको पता है कितने पे जाता है तो सिक्स टू जा ट्वेल्व देन ट्वेंटी फोर सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर एंड अ ज़ीरो सो टू फोर्टी टाइल्स आर रिक्वायर्ड ऐसे कितनी टाइल्स चाहिए टू फोर्टी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर डी एर स्टूडेंट सिमिलरली डू बी पार्ट योर सेल्फ इन दैट एरिया ऑफ दिस फ्लोर लेंथ एंड ब्रेड ऑफ दिस फ्लोर आर गिवन टू यू सेवेंटी सेंटीमीटर एंड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर और जो एक टाइल है उसकी तो लेंथ ब्रैड सेम है तो सेम वे में एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे देन एरिया वन टाइल निकालेंगे डिवाइड करेंगे एंड गेट द आंसर सो ट्राई बी पार्ट योर सेल्फ So that's all for now. Thank you, my dear students.